मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और कई गांव तो पूरी तरह डूब गए हैं। वहीं प्रकृति के इस तांडव से देवालय भी नहीं बच पाए। देखिए इस रिपोर्ट में। मंदसौर क्षेत्र में जोरदार बारिश के बाद अब गांधी सागर जलाशय में भी पानी की आवक तेज हो गई है। रतलाम जिले के सैलाना पिपलौदा क्षेत्र में हुई झमाझम बरसात के चलते शिवना नदी में मौसम की पहली बाढ़ आ गई। कई जगह सड़कों पर पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन ठप हो चुका है। वहीं शिवना नदी का पानी रविवार शाम तक श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग आधा डूब चुका है। ऐसे में भक्त बाहर से ही श्री पशुपतिनाथ महादेव की पूजा कर रहे हैं।